भोपाल में नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत होने लगी है। कांग्रेस लगातार तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर इस घोटाले में संलिप्त होने के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोले हुए है। एक दिन पहले NSVI ने इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, तो वहीं मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग संघार के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता थाने में विश्वास सारंग के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने पहुंच गए। जैसे ही कांग्रेस के नेता थाने में आपराधिक शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, तभी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां भी यहां आ धमकी। कांग्रेस नेताओं की शिकायत टीटी नगर थाने में दर्ज भी नहीं हो पाई कि इसके पहले ही महिला नेत्रियों ने भी यहां धावा बोल दिया। जीतू पटवारी ने महिला नेत्रियों को इस मौके पर भेजे जाने को लेकर कहा कि ये चोर की डाढ़ी में तिनका है। जीतू पटवारी बोले, इस घोटाले में विश्वास सारंग की संलिप्तता है और अब वे डर कर महिलाओं को आगे कर रहे हैं। जैसे जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नरसिंह घोटाला सत्य है। और नरसिंह घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल, वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। CBI पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई, उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए। तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व है कि वो 4 लाख बच्चे जिनकी परेशानी, जिनका दर्द, जिनका दुख, जिनका भविष्य अधर्म है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़े, विपक्ष लड़े, इस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़े। ये एहसास है इस बात का, ये आज की घटना एहसास है इस बात का कि कितना डरा हुआ है मंत्री, कितना सहमा हुआ है मंत्री। चोर की दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस पार्टी निडरता से अपनी बात कहती रहेगी, हर हालत में कहती रहेगी और बार बार कहती रहेगी। उधर इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि वे सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाते रहेंगे। नरसिंह घोटाला मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उधर इस मुद्दे को लेकर विश्वास सारंग के समर्थन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता एकत्रित हो गई। भारतीय जनता पार्टी की इन महिला कार्यकर्ताओं ने भी टीटी नगर थाने पहुंचकर पुलिस को एक शिकायत दी है और उमंग सिंघार व जीतू पटवारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। युवाओं का, छात्रों का बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से विश्वास सारंग महिलाओं को आगे कर रहे हैं, तो कितने डरे हुए ये मंत्री आप समझ सकते हैं। अगर ये आप इनको लगता है विश्वास सारंग अगर सही है तो क्यों इतने घबरा रहे, क्यों किसी महिलाओं को भेज रहे आप नारेबाजी कराने? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के नियम और कानून बनाने वाले मंत्री वो सरकार होती है, ना कि कोई कॉलेज का संचालक बनाता, ना उन छात्रों की गलती है कि जिनकी जवाब कोई नहीं है। आज फर्जीवाड़ा कॉलेज, अगर उनको मालूम होता कॉलेज के फर्जी कॉलेज, तो युवा उसके अंदर एडमिशन नहीं लेते। तो ये जो नियम जिन्होंने बनाए विश्वास सारंग ने, तो नर्सिंग काउंसिल में अवैध नियुक्ति करी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति, हम उसी को लेके एफआईआर करने आए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पर निष्पक्ष पूरे प्रदेश के युवाओं के को न्याय होना चाहिए, हम युवाओं के साथ है, ये हम आपसे कहना चाहते। और ये निष्पक्ष लड़ाई है और सरकार में बैठे फर्जी और भ्रष्टाचारी मंत्री के खिलाफ है, किसी के खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन ये युवाओं के अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हम फिर याद दिलाएंगे 3 दिन बाद। देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है।